मधुबनी के मधेपुर प्रखंड कार्यालय परिसर में स्थित कृषि कार्यालय के पास से खड़ी एक बाइक की डिक्की से पुलिस ने, आपको बता दें कि कार्बाइन और खाली मैगजीन बरामद की है। इसके साथ ही डीएसपी जो है डीएसपी आशीष आनंद ने देर शाम मधेपुर थाना पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ये कार्रवाई थाना अध्यक्ष अशोक कुमार ने पुलिस बलों के सहयोग से की है और इसके साथ ही उन्होंने थानाध्यक्ष के द्वारा किए गए इस कार्य की काफी प्रशंसा भी की है। और डीएसपी ने बताया कि हथियार बरामदगी के साथ मौके से एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस इस मामले को लेकर अन्य बिंदुओं पर भी जांच कर रही है। सत्यनारायण यादव हैं जो कि यहाँ के महिषा पंचायत मोहपतिया के हैं। इनसे हम लोगों ने काफ़ी इंट्रोगेट किया। हम और सर्किल इंस्पेक्टर साहब का काफ़ी देर से इससे पूछताछ कर रहे हैं और इसके साथ इनके साथ और कौन भी सहभागी हैं, सहपाठी हैं जो कि इस तरह के अवैध हथियारों के तस्करी में हैं या फिर बरामदगी को लेकर के कहाँ से इनको मिला और इनका उद्देश्य क्या था, इस पर हमने गहन पूछताछ की है जिसके बारे में और भी अंतर अनुसंधान किया जाए। धनबाद के गोविंदपुर थाना क्षेत्र के हिंद होटल के पास से एक सड़क हादसे का मामला सामने आया। आपको बता दें कि अनियंत्रित गाड़ी पुल से नीचे गिर गई, जिसके चलते गाड़ी में सवार बच्चे और दो महिला समेत पांच लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। स्थानीय लोगों ने मामले की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और गाड़ी को खाई से बाहर निकाला गया और पुलिस इस पूरे मामले की जाँच में जुटी है।